Ruth, अध्याय दो. रूथ अध्याय दो. नाओमी के पति एलिमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब था जिसका नाम बोआज था. और मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं. उसने कहा, चली जा बेटी. सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी. और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलिमलेक के कुटुंबी बोआज का था. और बोआज बेथलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे. और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे. तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है. उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे. तो वह आई और भोर से अब तक वह यही है. केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी. तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना. जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला जाना. क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना. तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उसने उससे कहा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोआज ने उससे उत्तर दिया, जो तूने पति मरने के पीछे अपनी सास किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है. यहोवा तेरी करनी का फल दे. और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे. उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है. फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर. तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भूनी हुई बाले दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा. जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पोलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत. सो वह सांच तक खेत में बिनती रही. तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका और वह कोई एपा भर जव निकला. तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बना हुआ देखा, जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दे दिया. उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है. तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा कि जिस पुरुष के पास मैं आज काम किया उसका नाम बोआज है. नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई. फिर नाओमी ने उसके कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है. फिर रूथ मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न करे तब तक उन्हीं के संग चली रहना. नाओमी ने अपनी बहू रूथ से कहा,
मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसकी दासियों के संग संग जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में न मिले। इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहां रहती रही।